वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ गिरिडीह में, एक छोटे से गांव में सीओडी। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पुल है जो कि यहाँ पे फेमस है, पुराना पुल के नाम से सभी लोग जानते हैं इसे। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं। वो पुल अभी तोड़ दिया गया है क्योंकि वहाँ पे नया पुल का निर्माण होगा और एक बांस का पुल बनाया गया है। तो चलो आप लोगों को बांस का पुल भी दिखाते हैं। तो गाइस यही है पुराना पुल जिसके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे एक पुल बना दिया गया है जिसके ऊपर खंडोली का जो है पाइप वगैरह ऊपर से पहुँचाया गया है। ये पाइप इसी पुल पे था, तो ये पुल अभी टूट चुका है, देख लो आधा टूटा है, आधा अभी बाकी है पूरा। तो गाइस अभी नदी में पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है इतना। गाइस यहाँ पे छठ पूजा भी बहुत ही अच्छा होता है, तो छठ पूजा के लिए यहाँ पे एक बांस का पुल बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा है वो बांस का पुल। चलो आप लोगों को दिखाते हैं वो बांस का पुल कैसा है। गाइस यहाँ पे अभी पुल बना नहीं है लकड़ी वाला पूरा तरीका से, तो अभी ये काम जारी है। तो देखो पुल कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा है पुल, चलने में मज़ा आता है। ये पुल देख लो किस तरह से टूट चुका है। और ये पुल जो है इस पुल के ऊपर बनाया गया है, बांस वाला पुल। और ये पुल थोड़ा थोड़ा हिलता है। तो गाइस हम लोग पुल के इस पार आ चुके हैं, तो चलो आप लोगों को ऊपर का पुल भी दिखाते हैं, ऊपर से भी दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से पुल का नज़ारा कुछ इस तरह से है, बहुत ही ऊंचा है ये पुल। इस पुल में दो दो पाइप पार हुआ है खंडोली का, और ये दोनों पाइप उस पुल पे था पहले लगा हुआ, अब इस पुल पे आ गया है। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो और भी बहुत सारा छठ पूजा के रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।